गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमने हमारे सेकंड चैनल पर एना की वीडियो पोस्ट कर दी है, तो अगर आप लोग डॉग्स को रखते हैं तो वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। तो उसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें। तो चलिए बात करते हैं हमारी आज की इस वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी से अच्छी क्वालिटी का डॉग हो, उसमें चाहे पैसे कितने भी लग जाएं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास पैसे तो होते हैं बट हमें एक अच्छी क्वालिटी का डॉग नहीं मिल पाता। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो आज के वीडियो देखने के बाद आप लोगों की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैनल के बारे में जिसपे आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्ट ब्लड लाइन के ही पपीज देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मंजीत एंड वेलकम टू माय स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जिस कैनल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वंशराज कैनल। तो फ्रेंड्स, इस कैनल के जो ओनर है मिस्टर विक्की संधू, वो सिर्फ टॉय डॉग स्पीड के साथ डील करते हैं, जो है लेब्राडोर एंड रॉटवाइलर। सो गाइस, इनके कैनल पर आप लोगों को हमेशा ही अच्छी क्वालिटी के पपीज मिलेंगे और वो सभी पेपर्स के साथ होंगे। तो गाइस, बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि केसीआई रजिस्टर्ड और नॉन केसीआई पपीज में क्या फर्क होता है। तो गाइस, जो नॉन केसीआई पपीज होते हैं उनकी श्योरिटी नहीं होती कि इनके जो मदर फादर आप लोगों को दिखाए गए हैं वो इन्हीं के हैं या फिर कोई और फोटो है, क्योंकि बहुत बार ब्रीडर्स क्या करते हैं कि पपीज आप लोगों को किसी दूसरे लीटर्स के दिखा देते हैं और मदर फादर उनके कोई और होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी पपी को परचेज करो तो सबसे पहले उनके मदर फादर के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन लें। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा सभी ब्रीडर्स करते हैं, ये सिर्फ मैं कुछ ही ब्रीडर्स के बारे में बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे साथ भी बहुत सारे ब्रीडर्स ऐसे जुड़े हैं जो एकदम जेन्युइन काम करते हैं और उनके पपीज की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर केसीआई के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है कैनल क्लब ऑफ इंडिया, जो कि सिर्फ उन्हीं पपीज को ही रजिस्टर्ड करते हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी केसीआई रजिस्टर्ड हैं। तो इनके पेपर्स पर आप लोगों को हर एक वो चीज मेंशन मिल जाएगी कि इनके फादर कौन है और इनके ग्रैंडफादर कौन है और वो कितनी बार चैंपियन रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन पपीज की ब्लड लाइन के बारे में बात करें तो इनके जो फादर की ब्लड लाइन है वो है प्रिंस ऑफ वंशराज स्वरूप मल्टीपल कंट्री चैंपियन रेंटास टोपास अक्का फिलिप, और मदर साइड है जूलियो वंशराज। बाकी इनकी ब्लड लाइन के बारे में ओनर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो गाइस, आगे की बातें करते हैं, बट उससे पहले ये है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है ANK एक्सपेरिमेंट, सेकंड है कैलाश सुनिया एंड थर्ड है हिमांशु धामिनी। तो फ्रेंड्स, केसीआई रजिस्टर्ड पपीज के जो आप लोगों को फायदे होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो उनकी प्योरिटी की श्योरिटी होती है और आप लोगों को पता होता है कि इनके मदर फादर कौन है, और सेकंड चीज, अगर आपके डॉग्स केसीआई रजिस्टर्ड हैं तो आप लोग उन्हें डॉग शो में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो डॉग शोज होते हैं वो सिर्फ केसीआई रजिस्टर्ड डॉग्स के लिए ही होते हैं। और अगर बाय चांस आपका डॉग विनर हो जाता है तो भाई उसकी जो कीमत होती है वो आसमान छूने लग जाती है। बट जो केसीआई रजिस्टर्ड पपीज होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और ये डिपेंड करता है उनकी ब्लड लाइन पर भी। तो अगर आप लोगों के लिए पैसा मैटर नहीं करता और आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी के डॉग चाहिए होते हैं तो आप लोग वंशराज कैनल से परचेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ दो ही डॉग ब्रीड देखने को मिलेंगी, लेब्राडोर एंड रॉटवाइलर, और इन पर आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी भी अवेलेबल हो जाएगी एक्स्ट्रा चार्ज पर। और अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है डायरेक्ट विजिट करना तो आप लोग कैनल पर विजिट करके सभी पपीज को चेकआउट करके उसके बाद आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन लेब्राडोर पपीज के साथ साथ आप लोग रॉटवाइलर पपीज को भी परचेज कर सकते हैं, वन वीक के अंदर वो पपीज भी तैयार हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोग उनकी क्वालिटी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 30 डेज के हो चुके हैं और ओनर की जो लोकेशन है वो है करनाल हरियाणा से। और डिलीवरी के बारे में तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ओनर आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। और हाँ फ्रेंड्स, ओनर ने अभी इन पपीज का प्राइस रिवील नहीं किया है, उसके लिए आप लोगों को डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके ही पता करना होगा। तो आप में से जिन्हें भी पता लगता है कि इन पपीज का प्राइस क्या है तो वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लग सके। तो फ्रेंड्स, यही तक थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।